हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कक्षा 11 के बच्चों के लिए अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत, यानी कैसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पता करेंगे और यह द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में कैसे हम बताएंगे। तो पहला इसका सिद्धांत होता है कुछ नियम है। मान लीजिए कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन दिया हुआ है या कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो पहले हम मान लीजिए पीएन की वैल्यू दिया गया है, कुछ भी वैल्यू दिया गया है, तो पहले हम एन के लिए एन बराबर वन के लिए सेट करेंगे। एन क्या है, यानी यह दर्शाता है एन बिलोंग्स टू एन, यानी एन जो है यह सब होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर आप जानते हैं n बराबर 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, इस तरह से है बहुत अधिक संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। लेकिन यह क्या है, निकालना संभव है नहीं है। आप क्या करते हैं, किसी एक अंक के लिए या दो अंक के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन निकाल सकते हैं सिद्धांत के आधार पर। फिर हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि इस तरह निकालेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए n का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, इसके लिए भी सत्य करते हैं। फिर कल्पना करते हैं कि हम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी यह हमारा मैथमेटिकल लागू होगा और सब सत्य होगा। तो हम एक आपको मैथमेटिकल टर्म देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n, और इसको हम देते हैं n प्लस 1 बाई 2। इसको हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन के रूप में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ये गणितीय आगमन के सिद्धांत के आधार पर क्या हो, तो हमने इसको मान लिया अगर pn such that 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n और यह n प्लस यानी हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि कैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत की पुष्टि करेंगे। तो मान लीजिए हमने एक आपको एग्जाम्पल यह दिया, अब ये क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 सब प्लस प्लस है, कहाँ तक यहाँ तक है, यानी क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, यानी ये सम है, प्राकृतिक संख्याओं का सम है, सब मतलब योग, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। आप 10th में समांतर श्रेणी पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं योग के लिए क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाय 2 और यह होता है 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। n क्या है, नंबर ऑफ संख्या है, आप मान लीजिए n बाई 2 करेंगे, यहाँ 2a प्रथम पद क्या है 1 है, आप प्लस n माइनस 1 इसका सार अंतर में डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको हटाएंगे 1 आएगा, देयरफॉर यह हो जाएगा n बाई 2 और यह 2 प्लस n माइनस 1 देयरफॉर n बाई 2 इनटू क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे n प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ यह क्या है, यह सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र है। ये सीक्वेंस रेडी में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हम किसका सिद्धांत लगाएंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाएंगे। तो अब आप देखेंगे इसमें हम गणितीय सिद्धांत कैसे लगाएंगे। पहले इसको हमने क्या मान लिया, Pn such that 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n तक, कहाँ n प्लस 1 बाय 2, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है। अब इतने को हल करके इतना लाना है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है, यानी LHS की वैल्यू RHS के बराबर होनी चाहिए, तभी गणितीय आगमन के सिद्धांत की पुष्टि होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अगर हम Pn की वैल्यू n मान लें तो n के जगह पर 1 रखें, यानी हम सिद्ध करेंगे क्या n बराबर 1 के लिए सिद्ध है, n बराबर 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा p 1। अब ये लिखेंगे कि n के जगह पर यहाँ में फर्स्ट टर्म लेंगे,
यानी फर्स्ट वन क्या है, वन है, तो यह हो जाएगा आपका सच दैट वन इक्वल टू, और लास्ट में क्या है n की जगह पर वन प्लस वन, वन इंटू वन प्लस वन बाई टू, यह क्या हो जाएगा दो बटे दो, अर्थात क्या आया वन, यानी इसका एल एच एस की वैल्यू आर एच एस के बराबर है, इसलिए n बराबर वन के लिए यह कथन क्या है, स्टेटमेंट सत्य है, यह सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 एन का, अभी नहीं कि एन की जगह पर इधर एल एच एस है, आर एच एस में आप एन का वैल्यू वन रखेंगे तो आपका क्लियर वन आएगा, लेकिन इधर थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है वन है, तो वन आ गया और आर एच एस को हमने हल किया तो बी एन आया, इसका मतलब एन बराबर वन के लिए स्टेटमेंट हमारा सत्य है। अब इसी तरह दो लेंगे, अब देखेंगे कि दो टर्म होगा यहाँ से, तो इधर कितना हो जाएगा एल एच एस के मान कितना हो जाएगा दो और एक तीन हो जाएगा, क्या इसी वैल्यू भी आती है, यानी दो लेने पर तो दो और यहाँ टू प्लस वन बटे दो हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू हम दो लेंगे तो कितना हो जाएगा दो बटे तीन बटे दो, अर्थात दो से दो कट जाएगा कितना आएगा तीन आएगा, इधर की वैल्यू अब दो दूसरा टर्म लेंगे तो दो और एक मिलाकर तीन हो गया, इसका मतलब एल एच एस की वैल्यू आर एच एस के बराबर आ गई, लेकिन हम इस तरह कहां तक करेंगे करते रह जाएंगे, तो केवल एक पद लेंगे n बराबर 1 के लिए सकते हैं, अब लिखेंगे n बराबर k के लिए, कल्पना करते हैं n बराबर k के लिए भी क्या है सत्य होगा, अब देखो यहाँ p k सच दैट यहाँ क्या लिखेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, अब एन के जगह पर क्या लिख देंगे के लिख देंगे, यह इक्वल टू एन के जगह पर क्या हो जाएगा के, के प्लस वन बाई टू हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर एक मान। अब हम कल्पना करेंगे कि क्या एन बराबर वन के लिए आपका कथन सत्य है, तो एन बराबर के लिए भी कथन सत्य है, तो कल्पना हम करेंगे क्या n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है कथन हमारा सत्य होगा, लिखेंगे कल्पना करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य होगा, कल्पना करेंगे कि n बराबर क्या हो जाएगा k प्लस 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा सत्य होगा, अब यहाँ लिखेंगे p k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब एक टर्म अधिक जाएगा, यानी पहला टर्म आपका क्या है n तक है, यहाँ अब लिखेंगे k प्लस k प्लस 1, अब यहाँ देख रहे हैं इतना जो टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी एक टर्म हम आगे जाएंगे, तो पहला तो टर्म जो शुरुआत वाला है इक्वेशन नंबर एक में यहाँ तक हो गया, अब इसी एक टर्म जब मैं आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, एक टर्म आगे जाएंगे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, अब यहाँ समीकरण एक से इतने की वैल्यू कितना मिल रहा है इतना मिल रहा है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से वैल्यू इतने का मिल रहा है आपका, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 k, यहाँ है समीकरण एक की वैल्यू कितना मिल रहा है k, k प्लस 1 बाई 2 और फिर प्लस यहाँ क्या बचा आपका k प्लस 1 बचा, अब इसी को कैलकुलेट करेंगे देखेंगे क्या हमारा गणितीय आगमन के सिद्धांत की पुष्टि होती है कि नई स्टेटमेंट मेरा आता है कि नहीं आता, यहाँ हो जाएगा k, k प्लस 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे 2k प्लस 2 पूरे के बटे हल करेंगे क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2 पूरे के बटे क्या हो गया k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 पूरे के बटे, अब इसको हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस के प्लस 2 पूरे के बटे 2,
यहाँ के कॉमन दिख रहा है तो के प्लस टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ वन कॉमन दिख रहा है प्लस टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा, पूरे के बटे दो क्या हो गया के प्लस टू और यहाँ हो गया के प्लस वन, क्योंकि के प्लस टू इसमें के प्लस टू इसमें और के प्लस वन यहाँ। अब ये देखेंगे पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं के प्लस वन और के प्लस टू पूरे के बटे। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ के प्लस वन है पहले क्या है यन है, टेन के स्थान पर आपने क्या रखा के प्लस वन, क्या हो गया के प्लस वन, यन प्लस वन है। अब देख रहे हैं के प्लस टू क्या लिखेंगे के प्लस वन, यहाँ मझला पुस्तक चाहे बड़ा पुस्तक प्लस वन पूरे के बटे। आप देख रहे हैं यन के जगह हमने क्या रखा के प्लस वन रखा, तो ये वाली वैल्यू आ गई और उसके बाद यन प्लस क्या है वन है, तो यन के जगह पर के प्लस वन रख दिया आपने तो के प्लस वन हो गया प्लस वन हो गया। इसका मतलब जब कभी हमारा यन बराबर के लिए सिद्ध होता है तो यन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, इसलिए हमारा कथन या स्टेटमेंट सत्य है। देखेंगे चूंकि यन बराबर के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट यानी कथन क्या है सत्य है, जब कभी यन बराबर के लिए सत्य है। अच्छा क्या होता है, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत की पुष्टि होती है। इस तरह हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आपके एक्सरसाइज वाले बुक में एग्जाम्पल वन दिया है, उसके आधार पर हम गणितीय आगमन के सिद्धांत की पुष्टि करना बताएंगे। एग्जाम्पल वन दिया है सभी यन ग्रेटर देन वन यन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए सिद्ध कीजिए वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट 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 फोर भी है फोर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 यन का स्क्वायर इक्वल टू यन यन प्लस वन इंटू टू यन प्लस वन बाय सिक्स, गणितीय आगमन के सिद्धांत की पुष्टि करता है। यानी सभी जो नेचुरल नंबर है उसका वैल्यू एक से बड़ा होगा या एक के बराबर के लिए यह गणितीय आगमन के सिद्धांत की पुष्टि करेगा। तो पहले हमने क्या बताया, यानी जो आपका स्टेटमेंट है पी एन सच डायरेक्ट वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर इक्वल टू यन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू वन रखना है। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि यन की जो वैल्यू होगी एक से बड़ी हो सकती है एक के बराबर हो सकती है। तो हम पहले क्या रखेंगे यन बराबर वन के लिए, देखेंगे हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि फाल्स है। तो जब यन बराबर वन के लिए रखेंगे तो पहला यह हो जाएगा पी एन सच डैट वन इक्वल टू, यानी यल एच एस की वैल्यू आर एच एस के बराबर करेंगे तो यल एच एस से पहला टर्म क्या है वन, वन का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा वन आएगा। अब देखते हैं कि इधर वाली जो वैल्यू है आर एच एस यन की जगह पर वन रखेंगे फिर वन प्लस वन और फिर इंटू टू इंटू वन प्लस वन बाई सिक्स। यानी क्या आप देख रहे हैं,
यानी इधर का जो टर्म है फर्स्ट टर्म वन का स्क्वायर है, इसलिए हम वन रख देंगे, वन का स्क्वायर वन होगा, एल एच एस आर का क्लियर हो गया। आर एच एस का टर्म क्या है, एम एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन है, तो एन के जगह पर वन, फिर वन प्लस वन, फिर टू इंटू वन प्लस वन बाई सिक्स, देयरफॉर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दो एक कम दो, दो और एक तीन, और एक एक दो, तीन दूना छः बटे छः अर्थात एक, अर्थात एन बराबर वन के लिए स्टेटमेंट मेरा क्या है, सत्य है। यानी एन बराबर वन के लिए स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। अब देखेंगे कि एन बराबर किसके लिए, के के लिए भी सत्य है, यानी एन बराबर के लिए भी सत्य होगा, तो क्या लिखेंगे, पी के सच दैट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एन के जगह पर क्या है, के है, तो के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के के प्लस वन, टू के प्लस वन बाई, अब कल्पना हम करेंगे कि जैसे एन बराबर के लिए सत्य है, कल्पना करते हैं कि मेरा स्टेटमेंट एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, लिखेंगे कल्पना करते हैं कि एन बराबर के प्लस वन के लिए कथम सत्य होगा, यानी हमने क्या किया, कल्पना किया, सोचा, तो क्या लिखेंगे, हम कल्पना करेंगे कि p यह हो जाएगा k प्लस वन सच दैट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यह हो जाएगा k स्क्वायर प्लस, यह तो इक्वेशन नंबर आपका वन हो गया। जब k प्लस वन के लिए हम स्टेटमेंट निकालेंगे कथन सत्य होगा, तो पहला इक्वेशन तो आप ये वाला इतनी चीज उतारेंगे, उससे एक पॉइंट आगे, एक पॉइंट आगे का मतलब k प्लस वन इसका स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर एक से इतना का वैल्यू देख रहे हैं कि इतने की वैल्यू कितना है, इतना यह है ना, इतने की वैल्यू इतना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से हल करेंगे, जब इक्वेशन नंबर एक से इतने की वैल्यू कितना है, के के प्लस वन, फिर टू के प्लस वन बाई सिक्स प्लस के प्लस वन का स्क्वायर, यह यानी बच्चों यहां से आप देख रहे हैं कि जो इतना वैल्यू है ये वाला, ये इक्वेशन नंबर एक का टर्म है, इक्वेशन नंबर एक इतना की वैल्यू कितना दिया है, के के प्लस वन, टू के प्लस वन बाई सिक्स, और उसके बाद एक टर्म आगे हमने गया, जब यहाँ से के प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, प्लस के प्लस वन, देखो यहाँ का वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे क्या हमारा इतना आ रहा है, गणितीय आंकड़ा की पुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, एक पहले काम करते हैं, यहाँ के प्लस वन है, यहाँ के प्लस वन है, के प्लस वन को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, उसके बाद एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा, के प्लस वन कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, के बचेगा और टू के प्लस वन बचेगा, आई के बटे सिक्स होगा, और प्लस यहाँ के प्लस वन हो जाएगा, यानी एक के प्लस वन हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब एलसीएम लेंगे, के प्लस वन एलसीएम हो गया सिक्स,
इसका अंदर गुणा करेंगे 2k² प्लस k प्लस इसका 6 का गुणा करेंगे 6k प्लस 6 यह हो गया k प्लस 1 या 2k प्लस 6k और 1 के मिलाकर कितना हो गया 7k प्लस 6 पूरे के बटे 6। अब यहां देख रहे हैं 6 में 2 का गुणा करेंगे 1k² 6 का 2 में गुणा करेंगे 6 गुणा 12 फैक्टर करके क्या लाना है प्लस करके साथ लाना है तो 4 तिहाई भी 12 होता 4 और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा k प्लस 1 यहाँ हो गया 2k² प्लस 4k माइनस प्लस 3k प्लस 6 पूरे के बटे 6। यह पहला पद है इसमें से 2k कॉमन दिख रहा है k प्लस 1 2k कॉमन हो गया जब 2k कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा k बचा और यहाँ 2 बचा k प्लस 2 हो गया यहाँ पर 3 का मान दिख रहा है यह हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा पूरे के बटे 6 हो गया यह हो गया k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा k प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 3 पूरे के बटे 6। अब आप चेक करेंगे कि मेरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है n है n के जगह हमने क्या रखा k प्लस 1 तो यह वाला स्टेटमेंट है फिर n है अब प्लस 1 है तो अब देखिए इसको हम बनाएंगे तो k प्लस 1 और यहां हो गया k प्लस 1 अब प्लस 1 यानी n का मान k प्लस 1 तो n के जगह पर k प्लस 1 और फिर प्लस 1 यह आ गया। अब इसको हम बनाएंगे इसको लिखेंगे 2k प्लस 2 प्लस 1 पूरे के बटे 6 कोई अंतर आ गया 2k और 3 यहां दिया हुआ है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 हो गया और यहां पर हो गया आपका k प्लस 1 और प्लस 1 फिर यहां 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 पूरे के बटे 6। चेक करेंगे स्टेटमेंट n के जगह पर हमने क्या रखा k प्लस 1 यह बना दिया फिर n के जगह हमने क्या रखा k प्लस 1 आधा नहीं k भी आ गया फिर 2 है n के जगह पर क्या रखा k प्लस 1 और फिर प्लस 1 और बटे 6 इसका मतलब गणितीय आगमन के आधार पर मेरा स्टेटमेंट क्या है सत्य है क्यों क्योंकि जितना आपका स्टेटमेंट कह रहा है उस स्टेटमेंट के आधार पर आपके गणितीय आगमन की पुष्टि होती है तो लिखेंगे चूंकि n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत की पुष्टि किया एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 2 पर n इज ग्रेटर देन n। अब ये देखना है सभी धन पूर्णांक n के लिए यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए जो धन पूर्णांक है कितना हमारा स्टेटमेंट कथन जो है सत्य है कि नहीं है यह हमें प्रूफ करना है तम मान लेंगे कि n सच दैट कितना है 2 पर n इज ग्रेटर दैट ये तो मेरा स्टेटमेंट है। अब हमने क्या बताया था कि n की वैल्यू 1 रखेंगे कि
कि क्या n बराबर 1 के लिए मेरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 सच दैट, यहाँ क्या करेंगे 2 पर 1 घात बड़ा हो जाएगा, अर्थात 2 पर 1 घात का मतलब 2, तो 1 से क्या है 2 बड़ा है, इसका मतलब n बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है सत्य है, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब लिखेंगे n बराबर k के लिए, जब n बराबर k लिखेंगे तो p या k सच है 2 पर k बड़ा होगा k से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम कल्पना करेंगे कि क्या n बराबर k प्लस 1 के लिए मेरा स्टेटमेंट सत्य है कि नहीं, देखेंगे कल्पना करते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य होगा, अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने n बराबर 1 के लिए भी स्टेटमेंट सत्य कर दिया है, n बराबर k के लिए भी स्टेटमेंट करेंगे क्या है सत्य है कि असत्य है, अब हम क्या करेंगे यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए हम स्टेटमेंट का मान निकालेंगे कि सत्य है कि असत्य है, तो क्या मिला आपको समीकरण 1 में हमने क्या किया 2 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 2 टू दी पावर k बड़ा होगा k से, क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर k प्लस 1 बड़ा होगा k से, देयर क्या हो जाएगा k प्लस k बड़ा होगा किससे k प्लस 1 से, अतः जब कभी k प्लस 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी स्टेटमेंट मेरा क्या है सत्य है, अतः कथन कि n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है सत्य है, अतः सभी धन गुणांक के लिए सभी धन गुणांक यन के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत की पुष्टि होती है, सिद्धांत की पुष्टि होती है। एग्जांपल 3 से हम समझेंगे सभी पूर्णांक यन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना है कि 1 अपान 1 इंटू 2 प्लस 1 अपान 2 इंटू 3 प्लस 1 अपान 3 इंटू 4 प्लस प्लस डॉट 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 1 अपान n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n अपान n प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट मेरा सत्य है। अब लिखेंगे pn such that 1 अपान 1.2 प्लस 1 अपान 2.3 प्लस 1 अपान 3.4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान n n प्लस 1 इज इक्वल टू n अपान n प्लस, ये तो आपका स्टेटमेंट, पहले हम क्या करेंगे n की वैल्यू 1 पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या मेरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, तो n बराबर कितने के लिए 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यानी यह हो जाएगा p 1 सच दैट, अब देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपान 1 इंटू 2 तो 1 बाई 2 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 1 बाई 2 हो गया, 46 देंगे सच दैट
इधर वाला बराबर क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू, क्योंकि इधर की वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया। तो क्या इधर की वैल्यू भी हम रखें कि टू आया रखते हैं, यहाँ पर नियम का मान और रखेंगे तो वन और मिलाकर क्या हो जाएगा, टू वन बाई टू हो जाएगा। इधर की वैल्यू क्या हो रहा है, तो लास्ट वाला वैल्यू क्या है, वन, अभी वन प्लस वन अर्थात क्या आ गया, एक बटे दो, अर्थात n बराबर वन के लिए कथन सत्य है। अतः n बराबर वन के लिए कथन क्या है, सत्य है। अब क्या लिखेंगे, n बराबर k के लिए, हमारे n बराबर k के लिए भी स्टेटमेंट क्या होगा, सत्य होगा। तो क्या हो जाएगा, p k इक्वल टू सच है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/n के अंदर क्या रखेंगे, के रखेंगे तो यह हो जाएगा के के प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है के और यहाँ के प्लस 1, इक्वेशन नंबर पहले n बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट मेरा सत्य है, n बराबर k के लिए हम स्टेटमेंट निकालेंगे कितना आया, कितना है। अब n बराबर k के लिए कल्पना करते हैं, कल्पना करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य हो। इतना हम कल्पना करते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम क्या लिखेंगे, p k प्लस 1 सब्सक्राइब 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट 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 1/k k प्लस 1 एक स्टेप आगे प्लस एक स्टेप आगे, यानी के में एक हम जोड़ देंगे 1/k+1 और फिर यहाँ हो जाएगा के प्लस 1 प्लस 1, यानी पहला स्टेटमेंट तो आपने n बराबर k के लिए लिखा है उससे एक स्टेप आगे प्लस के, के में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो के प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ के जगह पर के प्लस 1 रखेंगे और प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे समीकरण नंबर 1 कितना के जो वैल्यू है यहाँ पर यहाँ दिया, देखिए पूरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, यहाँ की वैल्यू की अपन के प्लस 1 रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से इतने की वैल्यू कितना है, के अपान के प्लस 1 फिर प्लस यहाँ क्या है 1/k+1 और यहाँ हो जाएगा आपका के प्लस 2, क्योंकि यहाँ 1 और 1 मिलाएंगे के प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा k प्लस 2, यहाँ k प्लस 1 है क्या नहीं है, k प्लस 2 नहीं है, यहाँ हो जाएगा k k प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ k प्लस 1 है क्या नहीं है, k प्लस 2 नहीं है, k प्लस 2 का इसमें हम पूरा करेंगे प्लस, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि k प्लस 1 k प्लस 2 यहाँ पर भी है। अब नीचे वाले को आप बताए अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपान k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा k प्लस 2, इसको हल करेंगे तो k स्क्वायर प्लस k प्लस k प्लस 1, क्योंकि k और k मिलाकर कितना हो जाएगा 2k, पूरे के बटे हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2,
यहां से कुछ कामन दिख रहा के कामन लेने, तो क्या हो जाएगा के प्लस वन, यहां से वन कामन दिख रहा है तो के प्लस वन अपान के प्लस वन, और यहां हो जाएगा के प्लस टू। अब देखेंगे क्या हो जाएगा के प्लस वन, एक ब्रैकेट में यहाँ के प्लस वन, एक ब्रैकेट में अपान के प्लस वन इंटू के प्लस टू, के प्लस वन से के प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या बचा के प्लस वन अपान के प्लस टू। स्टेटमेंट मेरा शुरू का क्या था, शुरू का था यन और यह था यन प्लस वन, यस। तो अब देखेंगे कि यन की वैल्यू हमने क्या रखा, के प्लस वन रखा, तो यन यहाँ क्या हो गया के प्लस वन के रूप में हो गया, लेकिन नीचे वाला यन प्लस वन है जिसको हम थोड़ा सा के प्लस वन अपान यहाँ लिखेंगे के प्लस वन और प्लस, ये देख रहे हैं यन की वैल्यू कितना हमने रखा था के प्लस वन रखा था, तो यन आ गया कि नहीं आ गया, फिर यन की वैल्यू के प्लस वन रखा था तो यहाँ के प्लस वन यन आ गया और इसमें एक प्लस है, इसका मतलब ये क्या होता है गणितीय आगमन आगमन के सिद्धांत की क्या करता है पुष्टि करता है, इसलिए क्या है के प्लस वन के लिए सत्य है, अतः यन बराबर के प्लस वन के लिए कथन सत्य है, अतः प्रश्न क्या कह रहा था, अतः सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन 1 के लिए गणितीय आगमन की सिद्धांत की प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर है अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड की जाएगी, थैंक यू।